हमारे पास आना मुश्किल काम है। उसकी वजह इतने नफरतों के पहाड़ खड़े किए हुए बीच में और इतना प्रोपेगेंडा है, इतने गंदे लोग हैं कि अल्टीमेटली उसमें जिस तरह के फिल्म का नशा होता है उस तरह प्रोपेगेंडा का एक नशा होता है। और बाजी सोचते ही कि जिनको मैं गंदा कह रहा हूँ उनसे ज्यादा गंदे लोगों को तो बैठा रहा हूँ। रशिया में जाना कोई गुनाह नहीं, जहाँ जहरियत है उनसे ताल्लुक रखना कोई मना नहीं, मुश्रकों से ताल्लुक रखना मना नहीं, उनके साथ डीलिंग्स हैं वो मोस्ट वेलकम, जब वो आते हैं उनके साथ तस्वीरें खिंचाई जाती हैं। और वो अय्याशियों के घर हैं, पेरिस हुआ, अमेरिका में लॉस एंजलिस है और बहुत से जहाँ से जिंदगी छुट्टी मुनाफो है, अड्डे हैं जुड़ों के, वहाँ मुसलमान शहजादे भी जाते हैं, मुसलमान हुकूमतों के सरबराह भी जाते हैं। और कभी आदमी ने नहीं कहा कि क्यों मिलते हैं लोगों से, क्योंकि बड़े गंदे लोग हैं, बड़े खबीस हैं, खुदा के मुनकर हैं, बदमाश हैं, दुनिया में डर फैलाया हुआ है। और जो मैं नशा कह रहा हूँ ये नहीं है कि आम आदमी उनकी बातें सुनता और कभी उसके दिल में सवाल ही नहीं आता कि उनसे तो कभी रोका, इसे क्यों रोक रहे हैं, इनसे मिलना, इनसे ताल्लुक रखना इतना बड़ा गुनाह। और बहुत ही बद लोग जाहिरी तौर पर ही जो इस्लामिक नुक्ता निगाह से कमिटेड हैं उनके साथ मिलने जुलने में ताल्लुक बढ़ाने में कभी किसी विरोध नहीं पैदा की। गैरों से शादियां हो जाती हैं, गैर मुजाहिद में हो जाती हैं और कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुई। लेकिन एमएलए की शादी में चला जाए तो अखबारों में ऐलान छप जाता है कि उसके अपने निकाह टूट गए। बड़ी खतरनाक बात है। तो कैसी कौन है जिसकी शादी में जाकर अपने 20-20 साल पुराने निकाह भी टूट गए हों, और ये हो रहा है आपको सवाल नहीं उठाता। तो ये जो डोमिनेंट पोजीशन है ना, मफलत की हालत, इससे निकलना चाहिए। अगर आप गौर करें तो मैं समझता हूँ अहमदियत की सदाकत के लिए ये दलील बन जाती है, कम से कम ये हक पैदा हो जाता है अहमदियत को कि आप गौर करें, इसी वजह से गौर करें कि हम हैं क्या। क्योंकि जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने मजहबी तारीख का मुतालिया किया है सब दुनिया का, मुझे ये बात अंबिया की हिस्ट्री के सिवा कहीं नजर नहीं आती। सिर्फ वो शहर हैं जिनमें जाने से रोका गया है, वो लोग हैं जिनसे मिलने से रोका गया है, जिन्होंने ये माना कि खुदा ने किसी को भेजा था, हमने उसको तस्लीम कर लिया, उसके सिवा ये वाकया कहीं नहीं होता। ताइफ में जाने से कभी अरब के किसी बशिंदे ने नहीं रोका। आकाश के मेलों में जाने से, जहां शराबें बहती थी पानी से भी बढ़कर और अपनी अय्याशियों के गीत गाए जाते थे, कभी किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब मक्के में हजरत अब्बास मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो लोगों ने रोक दिया। लूत की बस्ती से रोका है, इब्राहिम की बस्ती से रोका है, सालेह की बस्ती से रोका है, मूसा की बस्ती से रोका है, लेकिन इन बस्तियों से कभी किसी ने नहीं रोका। तो क्या वजह है? आमिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तो यह पता चलता है कि इतना प्रोपेगेंडा था वसी कि इनसे मिलोगे भी तो तुम्हारा दीन तबाह हो जाएगा और जादू हो जाएगा तुम पर, कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए कोशिश ये करो उन रस्तों से भी ना गुजरो जिन रस्तों से हजरत अब्बास मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, जब किसी खास जमात के मुतालिक, खास शहर के मुतालिक शुरू हो जाए तो कम से कम एक अलार्म बेल तो बजनी चाहिए। कभी भी शैतानों के मुतालिक ये प्रोपेगेंडा नहीं हुआ, और इसके बरक्स बात भी कभी नहीं हुई। आज तक एक वाकया मजहबी तारीख में नहीं हुआ कि वो लोग जो सच्चे नेक थे, जिनका खुदा से ताल्लुक था, उन्होंने बुरी बस्तियों में जाने से रोका। इससे ज्यादा वाज़े खुली हकीकत कोई नहीं है जिसके लिए आपको किसी तहरीरी दलील की जरूरत नहीं है। खुली खुली हकीकत रोशन सूरज की तरह रोशन हकीकत है।
अब मैं आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से दो मिसालें आपके सामने रखता हूँ। एक ये है कि आपसे मिलने से, आपके गुलामों से मिलने से उस वक्त के सारे उलमा जिस मजहब के भी वो थे वो रोका करते थे और ऐसी ऐसी बातें मशहूर करते थे जिससे खौफ पैदा हो जाए, जिससे तवहमात पैदा हो जाए कि इनसे मिलेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा हमारा। एक मौके पर एक बुढ़िया के मुताबिक आता है कि वो मक्के में दाखिल हुई और डरती डरती इस हाल में कि जो रास्ते में राहगीर नजर आता था उससे पूछती थी कि ये बताओ कि मोहम्मद तो नहीं मरता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते से क्यों चला। वो पूछते थे क्या हुआ, तुम्हें क्या मतलब है, उसने कहा तो बड़ा खतरनाक जादूगर है, वो उसका साया पड़ जाए तो इंसान का दीन तबाह हो जाता है, इसलिए मैं उससे बच रही थी। अब अल्लाह तआला की शान है, उसको सबक देना था, खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रास्ते में मिल गए और उसने पूछा कि भाई ये बताओ कि यहाँ से मोहम्मद तो नहीं गुजरता। आंद्रे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपका अखलाक सुन देखें, आपने अपना तारुफ वहां नहीं कराया, फरमाया बीबी तुम बूढ़ी हो, तुम्हारे बोझ से कमर झुकी हुई है, तो अपना सामान मुझे दे दो, जहां जाना है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मेरे साथ चलो। बुढ़िया ने और क्या चाहिए था, कोई पूछ नहीं जाता, सवाल उसका जवाब देकर गायब हो जाता था एक इंसान। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उठाया, साथ लेकर उसे घर तक पहुंचाया और इस वजह से नहीं बताया कि फिर वो घबरा ना जाए और अपनी दोबारा तकलीफ में मुबतला ना हो जाए। जब सामान रखा तो फिर फरमाया दीदी वो मैं हूँ जिसके मुतल्लिक तुम सुना करती थी। उसने जवाब दिया कि ऐ मोहम्मद अगर तू ही वो जादूगर है तो खुदा की कसम तेरा जादू चल गया और मैं तुझ पर ईमान लाती हूँ, क्योंकि ये इखलाक का जादू है, ये सिवाय अल्लाह वालों के किसी को नसीब नहीं होता था और वह मुसलमान हो गई। एक तरफ ये है जो सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुकाबले पर गैरों की ये सुन्नत के ढंडोरे पिट रहे हैं कि अगर तुम मुसलमान के पास ही निकल जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारा दीन तबाह हो जाएगा, तुम्हारे अखलाक बिगड़ जाएंगे, तुम पर जादू चल जाएगा। दूसरी तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा भी मुकद्दस कोई दुनिया में सोचा जा सकता है? किस बस्ती में जाए से आप रुके हैं? मक्के वालों ने जब आपको दुख दिए, इंतहा कर दी, पत्थर बरसाए, खाक डाली सर में, गम के कूड़ा करकट आपके सिरों पर फेंक दिया करते हैं, बदबख्त होते हैं, जब मक्के ने पूरी तरह बाइकआउट कर दिया, बोलना चालना बंद हो गया, एक वादी में कैद कर दिया जहां खाने पीने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं थी, मुकामी लोगों को भी कुछ नहीं था और बाहर से खुराक बंद हो गई, पानी का दाखला बंद हो गया। 3 साल ये जो करबला कहते हैं, बाद में करबला का आगाज तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से शुरू हुआ है। वाकया करबला का आगाज, करबला तो अलग मुकाम का नाम है, मगर वाकया करबला उसकी रूह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से शुरू हुई। 3 साल तक कैद रहे हैं उस वादी में और इस वजह से कि इनका बायकॉट करो, इसके बगैर इनको इनसे बच ही नहीं सकते, तो मुकातिया करो, खाना बंद कर दो, पानी बंद कर दो। यहां तक तकलीफ में मुबतला हो गए थे साहबा, उस दौर के वाकयात पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक साहबी कहते हैं कि इतनी भूख थी हमें कि हम पत्ते खाने लग गए थे, सबज पत्ते नहीं मिलते थे, सूखे पत्ते उबाल उबाल के खाते थे और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल भी इस वजह से, वह बहुत बीमार हुई थी तकलीफों में मुबतला होकर, उसकी वजह से बीमारी से फिर बच सके। एक साहबी बयान करते हैं कि चलते चलते मेरा पांव रात के वक्त एक नरम सी चीज पर पड़ा, मैंने सोचा कि शायद खजूर हो, लेकिन अगर मैंने देख लिया तो हो सकता है कोई कीड़ा मकौड़ा हो, कुछ जो कुछ और गंदगी हो। तो भूख इतनी थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मुझे पता लग जाए क्या है और फिर मैं छोड़ दूं, और मुंह में डालता तो मुझे पता लगना ही था। तो कहते हैं इस ऐसी तंगी की हालत थी
कि मैंने गला खोल के यूं लटका के फेंकी कि मजे से पहले वो मैं निकल सकूं और मुझे ना पता लगे कि क्या चीज है। क्या करते थे खुदा की कसम, आज तक नहीं पता मैं क्या खा गया, लेकिन मजबूरी थी, ये कैफियत थी। और जब इस कैफियत से आजाद हुए हैं तो ताइफ चले गए। ताइफ जाकर ने पैगाम पहुंचाया है। इसलिए सुनत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये नजर आती है, और पैगाम पहुंचाया है मार खाकर, दुख उठाकर। इतनी तकलीफ आपको दी गई ताइफ में, आप आज बातें करते हैं 1400 साल के बाद के कायनात का बादशाह आ गया। जब बादशाह आया करते हैं उस वक्त ये सलूक नहीं किया करते, उस वक्त ये होता है जो मैं बता रहा हूं, जिसकी खातिर कायनात पैदा हुई है वो गया है ताइफ बस्ती के भाग जा के कहते हैं इन्हीं के घर नारायण आया। उससे भी कई गुना ज्यादा मिसाल है ये। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हदायत देने में मुवल्लिक के तौर पर एक बस्ती में जा रहे हैं और 30-40 मील दूर है वो मक्के से। तकलीफ उठाकर बड़ी मुसीबत में पहुंचते हैं और वहां के सरदारों का इस्तकबाल ये है कि औबाश गलियों के आपके पीछे लगा दिए, जिन्होंने झोलियों में पत्थर डाल लिए, मुंह से उनके गम निकल रहा था और गालियां बरसाते और पत्थरों की बौछार करते हुए आपको छोड़ने जा रहे हैं शहर से बाहर। इस हालत में हुजूर अकरम दूर गुजरे हैं गलियों से, आपका खून जिस्म से बैठते बैठते अपनी जूतियों में भर गया था और जूतियों से उन गल के गड्ढे में गिर रहा था। यह था इस्तकबाल, लेकिन ना खुदा ने आपको रोका कि इन गंदे लोगों से नहीं मिलना, ना आपने अपने गुलामों को रोका कि इन लोगों से ना मिलो। दीन वालों का तो ये दस्तूर होता है, लेकिन आपको या किसी और को कभी ख्याल नहीं आया कि हमारे उलमा जो कहते हैं बदमाशों मिर्जाइयों कुत्तों से ना मिलो, हमारा दीन तबाह हो जाएगा, तुम मारे जाओगे, इनका बायकॉट करो, इनके साथ ये सलूक करो, इन्होंने ये दीन सीखा कहां से है? हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं सीखा है। आपके दुश्मनों ने सिखाया हो किसी को ये दीन तो वो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, मगर ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तरीक सीखा है, ना उससे पहले कभी 1,24,000 अंबिया में से किसी एक ने यह तरीक सिखाया। उन्होंने तो ये सिखाया है कि अगर कोई मुर्तद है, कोई जालिम है, कोई रस्ते से हटा हुआ है तो उसके पास हदायत पहुंचाने के लिए जाओ, मार खा के भी जाओ, दुख उठा के भी जाओ, गालियां सुन के भी जाओ, सब कुछ अपना कुर्बान करते हुए हाथों को जान को हथेली में लेकर पहुंचो और फिर भी पैगाम दो। अगर हम गंदे थे तो आपको इस तरह पहुंचना चाहिए था, ना ये कि हम पहुंचे तो हमें मार मार के निकाल दें, मुंह काले करके गलों पर सवार करके रवाना करें, तुम होते कौन हमें तमाम पहुंचाने वाले। इसलिए इतना उलट है ये निजाम कि जब तक कोई बेदार मगरी से न देखे उसको पता ही नहीं लगता कि मुझसे हो कह रहा है, मेरे उलमा हमारे मीर हमें क्या कह रहे हैं, किन दस्तों पर चला रहे हैं, किन रविशों पर से गुजार रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं सारे, मगर बहुत सारी हालतें हैं, फिर ही हालत गुजर जाते हैं, पता ही नहीं करते कि क्या हो रहा है हमारे साथ।